बजट आ गया, इलेक्शन के लिए रकम भी रख दी गई। अब आम इंतखाबात कब होंगे, ये सवाल तो चल ही रहे हैं, मगर अहम सवाल ये है कि अगस्त में हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान सेटअप में कौन शामिल होगा। सोशल मीडिया पर तुक्के लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। निगरान वजीर आजम पाकिस्तान कौन होगा, इसकी अफवाहें भी गर्दिश करने लगी। ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको हैरान भी किया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के बाद अब एक और सहाफी का नाम ज़ेरे गर्दिश है जिसको वजारत उस्मा सौंपी जा सकती है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि पीटीआई के दौर में जेल की हवा खाने वाले मोहसिन बेग का नाम है। उसके जिल्लत के दिन आने वाले हैं। जिस हवालात में मैं हूँ उसमें ये गलीज आदमी पीएम को सुनो। सोशल मीडिया पर सारफीन की जानिब से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इत्तलात हैं कि कौमी असेंबली तहलील होने के बाद मोहसिन बेग मुल्क के निगरान वजीर आजम होंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया है जिसका जो दिल चाहे कह सकता है। असल हकीकत क्या है आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ही पैगाम है, शांति गया।